पंजाब दे अंदर एक वड्डा बिजली संकट जिहड़ा देखण नूं मिलण वाला है, क्योंकि कुछ दिनां दे अंदर ही कहा जा रहा है कि ब्लैक आउट हो सकता है जां एक वड्डी समस्या जिहड़ी हो सकती है, क्योंकि बत्ती गुल कहा जा रहा है कि बत्ती गुल हो सकती है पूरे पंजाब की, जिस दे नाल इंडस्ट्री नूं एक वड्डा घाटा पै सकता है। की कारण है, क्यों जिहड़ा घाटा पै सकता है, उस दे बारे भी दस्सांगे। तुहानूं दस दईए कि जिहड़ी कोले दा जिहड़ा स्टॉक है, कहा जा रहा है कि दो तो सिर्फ चार दिनों का ही जिहड़ा है बाकी है, जिस दे जिहड़ा बिजली नाल जिहड़ी जिस दे नाल जिहड़ी बिजली पैदा हुंदी है, असीं कह सकदे हां कि एक वड्डा बिजली संकट जिहड़ा पंजाब अंदर देखण नूं मिल सकदा है, जिसका सब तो वड्डा घाटा जिहड़ा पंजाब की आर्थिकता नूं जां इंडस्ट्री नूं पै सकदा। साडे नाल मौजूद ने इंडस्ट्री च, गल्लबात कर लैंदे हां कि किस तरह का जिहड़ा घाटा पै सकदा, की गल्लबात है। हांजी, बहुत बहुत स्वागत है सर। रविंदर सिंह मक्कड़, प्रेजिडेंट पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल। अज पंजाब दे जिहड़े ट्रेड इंडस्ट्री दे हालात ने वो बड़े ही माड़े दौर चों गुजर रहे ने, क्यों कई साल हो गए ने पिछले समय दौरान, पहले नोटबंदी, फिर करोना, फिर GST, ये सारा दी मार चल रही जिहड़ी ट्रेड इंडस्ट्री है पंजाब दी, अज बिल्कुल ही डुबन दे किनारे ते आई हुई है, क्योंकि जिहड़ा हुण खास करके इस वेले मौजूदा जिहड़ा समा चल रहा है वो फेस्टिवल सीजन चल रहा है, बिजली दी लोड़ जिहड़ी है बहुत जबरदस्त है इंडस्ट्री नूं अते व्यापार नूं, और पहले ही बिजली जिहड़ी कि व्यापारियों नूं इंडस्ट्री नूं बहुत महंगी मिली मिल रही है, उहदी मार चल रहा सी। हुण एक होर नवां संकट पंजाब दा जिहड़ा खड़ा हो गया है, वो बिजली दी शॉर्टेज जिहड़ी है वह कोले दी कमी करके इत्थे बहुत हो गई है, और ये समय दौरान जिहड़ा व्यापारियों नूं कि पूरी बिजली दी लोड़ हुंदी है, उस समय बिजली ना मिलना एक होर बड़ा वड्डा झटका पंजाब दे ट्रेड इंडस्ट्री नूं है। इहदी मेन जिहड़ी वजह है वह पहले कोले दी कमी और जिहड़ी है बिजली महंगी करके जिहड़ा है पंजाब इंडस्ट्री नूं लॉस हो रहा है। पिछले दिन तकरीबन 15,000 मेगावाट बिजली जिहड़ी पंजाब डिमांड सी, और पंजाब सिर्फ 12,000 मेगावाट बिजली ये सप्लाई कर सके ने, क्योंकि इस वेले पंजाब दे 5 थर्मल प्लांट यूनिट बंद हो चुके ने, 2 तलवंडी साबो दे यूनिट बंद हो चुके ने, और बिल्कुल पूरी शॉर्टेज चल रही है। अज दे पिछले समय 2021 च भी 3 लाख करोड़ का नुकसान ट्रेड इंडस्ट्री नूं पिया, और अज भी तकरीबन 50,000 रुपए का नुकसान जिहड़ा ट्रेड इंडस्ट्री नूं रोज़ पै रहा है। किते ना किते एक वड्डा नुकसान तुसीं कह रहे हो भी झलना पै रहा वा, पर जिस तरह हुण अगे कहा जा रहा भी जे शॉर्टेज पूरी नहीं हुंदी, बेशक उह कहा जा रहा कि जिहड़ा त्यौहारां दे विच जां असीं कह सकदे हां दुशहरे नूं जां कह रहे ने कि 3 तों 4 दिनां बाद हो सकदा है ये घाट पूरी हो जाए, पर किते ना किते कोला जिहड़ा हुण बहुत ज़्यादा घट मात्रा विच आ रहा जां ना मात्र ही आ रहा, कि लगता भी एक वड्डा संकट जिहड़ा पैदा हो सकदा? बहुत वड्डा संकट है, क्योंकि जो खबरां मिल रही ने, जो हालात ने, क्योंकि जो खबरों के मुताबिक पंजाब सिर्फ जिहड़ी है कोले दी 2-3 दिन का स्टॉक है, और जबकि इन्हां नूं एक कंपल्शन हुंदी है कि महीने का स्टॉक रखना हुंदा है। सो अज पंजाब सरकार की नलैकी भी कही जा सकती है, ये बड़ी वड्डी है, जो बिल्कुल ही इनसिंसीयर है पंजाब ते पंजाब दी ट्रेड दे इंडस्ट्री वास्ते, और बड़ा वड्डा एक इन्हां दा पंजाब गवर्नमेंट दा रोल है इहनूं डुबोण वास्ते पंजाब ते ट्रेड। असीं सरकार तो मंग करदे हां भी इहनूं जल्दी तो जल्दी कोले दी रीस्टोरेशन कीती जावे, और भावें सेंट्रल गवर्नमेंट नूं अपील कीती जावे जिवें भी करके कोले अरेंज करके ते पंजाब ते पंजाब दी इंडस्ट्री ट्रेड नूं बचाया जावे। जे बाई चांस रब ना करे बाई चांस अजिहा हो जाता कि बत्ती गुल हो जाती या एक या दो दिनों वास्ते भी जो बत्ती बंद होंगी तो किन्ना कु वड्डा जिहड़ा घाटा पै सकदा, इंडस्ट्री क्यों बंद हो सकती है? कहा जा रहा कि पहले ही कई चीज़ों के रेट वध चुके ने। मैं तुहानूं पहले ही दस चुकिया भी पहले ही पंजाब की ट्रेड इंडस्ट्री जिहड़ी है पिछले 2021 ही 3 लाख करोड़ का घाटा बर्दाश्त कर चुकी है, और हुण भी इस वेले मौजूदा हालातों के रोज़ बिजली करके जो 50,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, हर थां हर वर्ग नूं, न सिर्फ पंजाब दे ट्रेड इंडस्ट्री नूं नहीं, किसानां नूं भी बिजली नहीं मिल रही। सो सारे पासे बिजली दे हालात इदां ने भी बहुत ज़्यादा आने वाले समय च जे इदां ही हालात रहे तां मेरा ख्याल है भी पंजाब दी ट्रेड इंडस्ट्री बिल्कुल डुबेगी, और कई लोग अज भी मजबूर ने क्योंकि पिछले दिनों च 30-35,000 यूनिट जिहड़ा माइग्रेट हो चुका पंजाब तो इंडस्ट्री का, और अज भी लोग सोच रहे हैं भी कित्थे जाइए कित्थे व्यापार करिए जिथे सानूं सुखावां माहौल मिल सके, और लोकी और जान नूं तैयार बैठे ने। पर कित ना कि कहा जा रहा है कि दिल्ली के भी संकट आ सकता है, क्योंकि जोड़ा संकट है कितने ना कि पूरे सिर्फ भारत नहीं पूरे मतलब देखा जा रहा कि काफ़ी दुनिया में जोड़ा प्रभावित कर रहा है, अजहे किस तरह जोड़ा व्यापारी वर्ग साथ दूगा, जो किन्ने कि जोड़े मजदूर ने जोड़े डिपेंडेंट ने, कि वाला जो नुकसान झलना पै सकता कितना जी? जोड़ा थर्मल प्लांट पंजाब के जोड़े 5 बंद होए ने, यह मैं समझता भी सरकार की नलैकी करके बंद होए ने, क्योंकि इन्हों की इंस्पैक्शन होंगी है भी जोड़े प्लांट्स ने उन्होंने घटो घट 30 दिन तो लैके 40-45 दिन तक का जो कोला वो रखना जरूरी होंगे, पर इतने यकदम ही प्लांटा बंद करता गया, तो नाल जिमें खबर चल रही भी 2 या 4 दिन का कोला बचा, हूँ दिल्ली किमें इफेक्ट होएगी? देखो जो लुधियाना एक हौजरी का हब है, इतने इंडस्ट्री का हब है, इस टाइम सारा हौजरी का सीजन चल रहा है,
एक एक दिन साढ़े लिए जो हौजरी वाले वास्ते या इंडस्ट्री वास्ते बहुत कीमती है। जे दो चार पाँच दिन वास्ते बंद होंगी है 50,000 करोड़ का डेली का नुकसान दसया जा रहा है। जिवें भाई साहब ने दसिया देखो ये सारा माल इतों की जिन्ना बन गए दिल्ली वगैरह या सारे इंडिया सप्लाई होंगे। अगर पंजाब की इंडस्ट्री रह गई तो समझ लो भी अद्धा अद्धा इंडिया के माल नहीं जाना। जो भी है वैसे ही व्यापारी मरिया पाया अगे तो, क्योंकि पहले ही बिजली के रेट इन्ने ज़्यादा ने जो मतलब सानू वादा किया गया उस मुताबक 4 रुपये या 5 रुपये यूनिट वो सबू पता भी 10 रुपये यूनिट तक मिल रही है। इन्ने पैसे देने बावजूद भी जे बिजली पूरी नहीं मिलती सूँ एक आस होंगी बिजनेस की भी चल यार कोई गल नहीं जो सीजन लगेगा असी पैसे कमा लाँगे असी खर्चे कढ़ लवेंगे। जे साडे मतलब खर्चे ही नहीं निकलेंगे तो इंडस्ट्रीज तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। जे उत्पादन पूरा नहीं होंगे जन जिदा की साड़ी आस आ भी असं इन्ना बनावे माल जी उन्ना माल नहीं बनता तो लगता भी जे रेट ने वो बदलेंगे। बिल्कुल महंगाई की मार तो पेगी जी महंगाई तो वधेगी वधेगी क्योंकि देखो हम सारा इन कला कला सिर्फ इंडस्ट्री नहीं अफेक्ट हो रही छोटे किसान भी अफेक्टेड हो गए इन क्योंकि जिनी बिजली या जो भी है सारे किसानों के सीजन चल रहे हैं। हूँ झोने का सीजन खत्म होया अगों अगों कणक का सीजन आ गया उनकी बिजाई का सीजन इस टाइम चल रहा अगे तो किदा ये पूरा करे साड़ी समझ तो बाहर है। ये सरकार दी नलायकियां दे कारण हो रहा पंजाब सरकार नूं चाहिए भी अपना ग्रिप पूरा बना के रखे तो जड़े बाहर बिजली भेज रही है इतों की होर रद्द करे तो सिर्फ पंजाब नूं बिजली देवे। की भारत सरकार नूं भी अपील करनी चाहोगे भी जिहड़ा कोला वा उसकी किसी तरीके पूर्ति की जाए जिस तरह हुण दिल्ली के मुख्यमंत्री वालों जिहड़ी चिट्ठी लिखी गई है तुसीं भी कोई अपील जिहड़ी है अपने भारत के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नूं करनी चाहोगे भारत के प्रधानमंत्री नूं कि जिहड़ा कोला जां जिहड़ी शॉर्टेज आ उसनूं किसी तरीके पूरा किया जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल प्रधानमंत्री जिहड़ा एक देश मुल्क का प्रधानमंत्री हुंदा उन्होंने जिहड़े सूबे ते जिहड़ी प्रजा बच्चों की तरह हुंदी है इहदे विच कहिण दी लोड़ नहीं हुंदी इहनां दा नैतिक फर्ज बनदा भी अपने आप देखण भी इस इहनूं किद्दां पूरा करना अपने प्रियोरिटी लैवल दे उत्ते पूरा मतलब इस कोले नूं मंगा के चाहे बाहरों ही इंपोर्ट करा के इत्थे लिआंदा जावे तो ये जिहड़ी कमी नूं पूरा किया जाए इत्थे इदां दा कोई संकट नहीं आन दित्ता जाणा चाहीदा। सो प्रधानमंत्री नूं अपील करदा भी बाहरों कोले की पूर्ति मंगा के कोले की पूर्ति नूं इंडिया दे विच पूरा किया जाना चाहिए। जिस तरह हुण पंजाब सरकार वालों बार बार जिहड़ी अपील एक की जा रही है लोगों को कहा जा रहा है कि जिहड़े उपकरण ने फालतू ना चलाए जाए जां एसी हो गया चाहे बिजली के उपकरण कोई भी ने भी वो जे लोड़ नहीं हैगी तां बेफजूल बंद कर दिए जाए तुसीं इसनूं किस तरह देखते हो। देखो जिहड़े एसी या होर जिहड़ी घरां दी खपत है मेरा ख्याल है भी उहदे नाल ज़्यादा फर्क नहीं पैंदा क्योंकि मेन तो जिहड़ी प्रोडक्शन की इलैक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो कंज्यूम होंगी है ट्रेड तो इंडस्ट्री के सब तो ज़्यादा इंडस्ट्री के और जे मुल्कों ने ग्रोथ करनी है स्टेट ने ग्रोथ करनी है तो इंडस्ट्रियल करनी है डोमैसटिक यूज़ नाल कोई इन्ना फर्क नहीं पैंदा। डोमैसटिक का वैसे भी अदरवाइज यूज उत्थे पंजाब का जिहड़ा मौसम है चेंज हो चुका है कोई इन्नी ज़्यादा डिमांड रहनी नहीं बट जिहड़ी इंडस्ट्री वास्ते लोड़ है वो सरकार नूं चाहिए भी जिवें दिवें करके इहनूं पूरा किया जाए तो पंजाब की ट्रेड तो इंडस्ट्री नूं बचाया जाए। महंगाई की मार पहले ही बड़ी पै चुकी है लोगों के क्योंकि यदा सीधा तो सीधा इफेक्ट जोड़ा है वह महंगाई से जाना है क्योंकि जिमें जिमें प्रोडक्शन घटनी है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जी है हर चीज़ की वधेगी तो सीधा इफेक्ट यदा जोड़ा है वो महंगाई तो जाएगा और पहले महंगाई बहुत हो चुकी है आने वाले समय के जो हालात इदा रहे जे तो आने वाले समय से महंगाई लोगों का होर दम घुटेगी तो लोग जोड़े ने इस माहौल रहने मजबूर हो गए जी। बिल्कुल कितने ना कितने कहा जा रहा है कि महंगाई होर बढ़ सकती है जेकर बिजली की समस्या पैदा होंदी है उत्थे ही देश के प्रधानमंत्री ते पंजाब के मुख्यमंत्री नूं भी अपील की गई है कि किस तरह भी इस जिहड़ी बिजली संकट नूं रोकिया जाए जां इस दे उपर काबू पाउण दी जिहड़ी कोशिश की जाए तां कि जिहड़ा इंडस्ट्री है इंडस्ट्री मुड़ तों जिहड़ी पटड़ी तों ना उतरे ते अपना जिहड़ा कारोबार लोगों का चलता रहे। लिविंग इंडिया न्यूज़ लई लुधियाणा तों राजविंदर सिंह।